मैं अपने बेटे को थर्सडे सबसे पहली पिक्चर दिखाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है, जो थर्सडे है, वो आई थिंक ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट और यू नो नाउ आई हैव माई सन विद मी। और जब भी मैं इस फिल्म को देखूंगी, मुझे वैसे भी अपने बच्चे हमेशा याद आते हैं जब मुझे कोई काम मिलता है या फिर मैं कर रही होती हूँ, बट एक अलग ही फीलिंग रहेगी फॉर मी। एंड यू नो द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द फिल्म इज़ दैट इतना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आगे जाके आई हैव ऑलरेडी मेड दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट इफ एंड व्हेन माई चिल्ड्रन वॉच सिनेमा, मैं अपने बेटे को थर्सडे सबसे पहली पिक्चर दिखाऊंगी। एंड यू नो शूटिंग में कितना कुछ, क्योंकि मैंने देखा बारिश में भी आप शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप पंपा की दार है तो काफी भागना होना, कितना प्रिकॉशन आपके लिए लेना पड़ा, बहुत मुश्किल था। आई मीन टू से दैट आसान था बिल्कुल नहीं। एनी वे बारिश में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम शूट कर रहे थे टू बी प्रेग्नेंट, और शूटिंग शेड्यूल कभी ऐसे नहीं होता है कि आप एक ही सेकंड में, यू नो, ऐसा तो नहीं है कि दो दिन में ख़त्म हो जाता है। सो यू नो विद पासिंग टाइम यू गेट मोर एंड मोर प्रेग्नेंट। और साथ ही में आई थिंक जो बाकी प्रिकॉशंस थी वो ये थी, क्योंकि सेकंड वेव तभी ख़त्म हुई थी, तो कोविड की इतनी सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ी, प्लस आई वॉज इन अ डेलिकेट स्टेट। बट यू नो आई थिंक दैट nothing bless you nothing changes or nothing can change if there are change makers who don't support it. Aur jo sabse bade change makers hain wo aise hote hain jinhone you know specially jis condition mein main thi to give us an opportunity. To agar Behzad ya Ronnie Screwvala ya Paashan you know jo aur Ashley jo hamare producers aur directors hain, agar unhone hame mauka nahi diya hota, I think that we would have never been able to break out of that box or break that clutter, या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते। I would have just been like taking maternity leave, which is not bad, but to be able, like, you must take it if emotionally and clinically you want to take it. But I wanted to work and I got a chance, so I feel really happy. चलिए, आप ग्लोबल फिल्म अवार्ड्स के मौके पर हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं, आज की शाम आपको अवार्ड मिल रहा है? जी नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं सारे अवार्ड्स दे रही हूँ लोगों को, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। या टू बी इन अ पोजिशन टू यू नो टू बी द फेस ऑफ ग्लोबल फेम अवार्ड्स। और आई थिंक जो जिन लोगों को हर एक कैटेगरी में जो लोग अवार्ड्स आज लेकर जाएंगे, हैट्स ऑफ टू देम। मतलब ऐसे बैठे बैठे तो घर पे अवार्ड मिलता नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट सबने मेहनत की है, अपनी फील्ड में मेहनत की है, एंड यू नो व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड्स, वो ऐसे ही होता है कि पीपल नीड टू कम बैक, वर्क हार्डर, एंड दैट्स व्हाट्स गोना हैपन ईयर आफ्टर ईयर। मैम, अगर हम बात करें सिम्बा डूइंग वेरी वेल इन दिस करियर, सिम्बा नागपाल, यू नो रोडीज एंड ऑल दिस, व्हाट डू यू वांट टू से नाउ, ही इज डूइंग नागिन आल्सो, व्हाट इज योर रिएक्शन? कांग्रेचुलेशंस टू, थैंक यू। आपको लगा था इतना आगे तक जा पाएगा? थैंक यू वेरी मच। नो, ऑल द बेस्ट, एवरीबॉडी शुड डू वेल, थैंक यू। प्लीज।